सो हेलो दोस्तों, पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को जरा देखिए। तो यहाँ पे इस चैनल को आप देख सकते हैं, इस चैनल का नाम है सत्या राइडर। यहाँ पे जैसे खाली 94 वीडियो में इसने 3 लाख सब्सक्राइबर्स के होने वाले हैं। ये खाली कॉपी पेस्ट वर्क करता है अपने यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पे जैसे इसके वीडियो पे लाखों में व्यू आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 11 लाख व्यू, 2 लाख व्यू, 6 लाख व्यू, 31 लाख व्यू और 90,000, 11 लाख व्यू, 1 लाख, 28 लाख और यहाँ पे देख सकते हैं आप 1.5 लाख, 23 लाख। यहाँ मैं पॉपुलर पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि 66 लाख तक व्यू गए हैं पॉपुलर में, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉम्पोस्ट वर्क करे लाखों में ले रहा, इसकी कमाई आप देना चाहेंगे तो इसकी कमाई भी लाखों में हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कमाई कितनी हो रही है। तो जय दोस्तों, मैंने सोशल बेट वेबसाइट खोल ली है। यहाँ पे इस चैनल का यहाँ लिंक कर देता हूँ मैं पेस्ट। अब पेस्ट करने पर इसको मैं कर देता हूँ सर्च। यहाँ पे देख सकते हैं इसका रेट निकल के आ चुका है कि चैनल का नाम है सत्या राइडर। और यहाँ पे आप इसकी अर्निंग देख सकते हैं मंथली कितने पैसे कमाता है। यहाँ पे देख सकते हैं $2,000 से लेकर $37,000 तक, मतलब लाखों में ये पैसे कमा रहा है इस यूट्यूब चैनल से। खाली यूट्यूब पे कॉपी पेस्ट वर्क कर रहा है, इसी से ये लाखों की अर्निंग कर रहा है, लाखों के व्यू ले रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँ आप भी ऐसी वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो आप बने रहे वीडियो के लास्ट तक, स्किप कर नहीं देखना, तो आपको कुछ सही में नहीं आएगा। मैं आपको सबसे आपको डिटेल में बताऊँ कहाँ से आपको वीडियो डाउनलोड करनी है, कैसे उसको एडिट करना है और कैसे आपको यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करनी है, कैसे आपको यूट्यूब पर वीडियो अपनी वायरल कैसे करनी है और कैसे आपको टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन आपको सब चीज़ कैसे लिखनी है। सब चीज़ मैं आपको डिटेल आपको बताने वाला हूँ, जीरो से लेकर एडवांस तरीके से आपको सब चीज़ सिखाने वाला हूँ। तो आप बने वीडियो के लास्ट तक। तो अभी हम चलते हैं अपने यूट्यूब पर। तो हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला 2 लाख के अंदर जो बाइक आती हैं, तो हम उनको लेने वाले हैं अपनी वीडियो में। यहाँ पर आप मेरी वीडियो स्क्रिप्ट दे सकते हैं कि हमारे 2 लाख के अंदर कौन कौन सी बाइक आती हैं, उन्हीं को हम अपनी वीडियो में ऐड करने वाले हैं। तो अभी हम चलते हैं यूट्यूब पर। यहाँ पर आपको जो 5 बाइक दिख रही है, इनका 5 बाइक को मतलब कि यहाँ पर हम सर्च करने वाले हैं, इनकी वीडियो के क्लिप्स निकालने वाले। क्लिप्स नॉन कॉपीराइट कैसे आपको लिखाने वो चीज मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ KTM Duke 200। यहाँ पे मैं सर्च कर लिया है। अब सर्च करने वाले यहाँ पे थ्री डॉट पे करना है क्लिक, इसको सर्च फिल्टर पे करना है क्लिक। अब आपको यहाँ पर क्रिएटिव कॉमन पे करना है क्लिक, इसको कर देना अप्लाई। अब इसको अप्लाई करने में यहाँ पे हम किसी एक लॉन्ग वीडियो को यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ हम एक शॉर्ट वीडियो पे कर लेते हैं क्लिक। अब क्लिक करने के बाद हम इसको कर लेंगे डाउनलोड। यहाँ पे हम 3-4 शॉर्ट वीडियो होते हैं ना, उनकी क्लिप कर लेंगे डाउनलोड। और यूट्यूब की वीडियो में डाउनलोड करना इसलिए नहीं बता सकता हूँ, यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ ही है। आपको डाउनलोड करना सीखना है तो मैंने टेलीग्राम पर बताया, वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आप जाकर मतलब वीडियो को दे सकते हैं कि यूट्यूब वीडियो डाउनलोड कैसे करें हम। तो जैसे दोस्तों आप हमारी वीडियो तो हो चुकी है डाउनलोड, अब डाउनलोड होने पर इसको एडिट कैसे करना है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हम चलते हैं यूट्यूब क्रिएटर एप्लीकेशन पर। ये यूट्यूब की एप्लीकेशन है, इससे भी आप वीडियो अपनी एडिट कर सकते हैं और इसके फ़ायदे क्या वो मैं आपको बताऊँगा। तो अभी हम इसको कर लेते हैं ओपन। अब इसको ओपन करने में यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन पर करना है क्लिक। अब क्लिक करने जो हमने वीडियो डाउनलोड करी थी ना, इसको हम यहाँ पे कर लेंगे सेलेक्ट। अब इस वीडियो को हम कर लेते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट करने में इसको कर देंगे ऐड। यहाँ पे जैसे हमारी वीडियो आ चुकी है, अब इसका हम वॉल्यूम कर देंगे बिल्कुल खत्म। इस पर हम करेंगे क्लिक, यहाँ हम वॉल्यूम वाले ऑप्शन पे करेंगे क्लिक। अब इसका हम वॉल्यूम कर देंगे 0, इसको कर देंगे डन। अब डन करने के बाद आपको यहाँ पर टैक्स वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक। टैक्स इफेक्ट पे करते हैं क्लिक। अब टैक्स इफेक्ट पे क्लिक करने यहाँ पे कोई भी एक अच्छा सा टैक्स हम यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे दोस्तों मैं इस वाले टैक्स को यहाँ पे कर लेता हूँ सेलेक्ट। अब सेलेक्ट करने वैसे हम लिख लेते हैं, अब हम इसमें लिखने वाले हैं, इसमें हम लिखने वाले हैं under 2 lakh स्पोर्ट्स बाइक। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे हमने लिख लिया है under 2 lakh स्पोर्ट्स बाइक, इसको हम कर देंगे ओके। यहाँ से इसको कर देंगे डन। अब डन करने वाले छोटा करके इसको हम रख देंगे ऊपर, इसको हमको ऐसे लगा देना ऊपर करके लगा देना हमको। अब इसमें आपको बाइक के नाम कैसे बताने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसे आपको स्टार्ट करना है, जैसे 5 नंबर तो आपको स्टार्ट करना है, 5 नंबर कौन सी बाइक है, 4th नंबर ही कौन सी है और 3rd नंबर कौन सी है और 2nd नंबर कौन सी है और 1st नंबर कौन सी है। तो आपको 5 में से स्टार्ट करके 1st नंबर तक ले आना, ना कि आपको 1st नंबर से लेके 5वें नंबर तक ले आना। यहाँ पे मैं अपने 5 नंबर की बाइक यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो भाई 5 नंबर कौन सी बाइक वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। बट टैक्स वाला ऑप्शन में करता हूँ क्लिक, टैक्स इफेक्ट पे करते हैं क्लिक। तो यहाँ से हम कोई अच्छा टैक्स ले लेते हैं, तो इस वाले टैक्स को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सेलेक्ट। अब सेलेक्ट करने के बाद इसमें हम अपने जो बाइक का नाम है ना वो यहाँ पे हम लिख देंगे। हमारे बाइक का नाम है KTM Duke 200, इसको हम कर देंगे ओके। इसको भी हम डन कर देते हैं। अब डन करने के बाद इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हल्का छोटा कर लिया हमने, इसको कर देंगे यहाँ पे हम सेट कर देंगे under 2 lakh स्पोर्ट्स बाइक, इसको हम करते हैं क्लिक। इसको हम पूरी वीडियो में कर लेंगे ऐड, ऐसे करके हमको पूरी वीडियो में इसको ऐड कर लेना है। और जो हमने लिखा है ना KTM Duke 200, इसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं। अब इसको हम यहाँ पे थोड़ा आगे करके
इसको हटा देना। फिर दोबारा हमको टैक्स वाला ऑप्शन पे करना है क्लिक, और यहाँ पे हम टैक्स इफेक्ट करते हैं क्लिक। यहाँ से कोई अच्छा सा टैक्स दोबारा से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम इस वाले टैक्स पे टैक्स इफेक्ट पे कर लेते हैं क्लिक। अब क्लिक करने के बाद हम इसकी प्राइस लिखने वाले हैं, जो क्रीडियम 200 की प्राइस क्या है वो हम लिखने वाले हैं 1.89 लाख। अब इसको हम कर देंगे ओके। अब डन करने में यहाँ पे देख सकते हैं हमारी वीडियो की, यहाँ पे हमारी वीडियो बन के हो चुकी तैयार। फिर 2 लाख के अंदर कौन कौन सी बाइक आती है, ऐसे आपको यहाँ पे 5 बाइक यहाँ पे जोड़ लेनी है। तो ऐसे आपको 5 बाइक की क्लिप ले लेनी है, और लिखने के बाद उनके यहाँ पे नाम बता देना, और जो वो बाइक कितनी सीसी की वो आपको यहाँ पे लिखकर बता देना है, और कितनी प्राइस मतलब कितनी प्राइस की वो आपको यहाँ पे लिख के बता देना। शॉर्ट वीडियो बना लेनी है, और ऐसे आप लॉन्ग वीडियो भी बना सकते हैं, शॉर्ट लॉन्ग दोनों पे आप ऐसा वीडियो बनाकर काम कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम अपने बैकग्राउंड साउंड को यहाँ पे लगा लेते हैं, साउंड वाले ऑप्शन पे करते हैं क्लिक। तो यहाँ पे आपको ये वाला फायदा हो जाता है, कॉपीराइट आपको बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम किसी भी बैकग्राउंड को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, जो हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक है इसके हम वॉल्यूम कर लेंगे थोड़ा कम, 20 तक कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं डन। अब डन करने में यहाँ पर आपको वॉइस ओवर करनी है, अगर आप वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 लाख के जो अंदर बाइक आती है उनके 5 का नाम बता देने हैं, और कितनी सीसी की वो बाइक है वो आपको लिख कर बता देनी है, और कितनी प्राइस की वो आती है वो चीज़ आपको यहाँ पर बता देनी है, बस इतना काम करना है। अगर आप यहाँ पे वॉइस ओवर करना चाहते हैं वॉइस ओवर भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, वॉइस ओवर करना काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पे हम वॉइस ओवर कर लेते हैं, वॉइस ओवर पे मैं करता हूँ क्लिक। तो यहाँ पे हम रेड वाले आइकन पे कर लेते हैं क्लिक। 2 लाख के अंदर आने वाली 5 स्पोर्ट्स बाइक, तो ऐसा आपको यहाँ पे वॉइस ओवर अपनी कर लेनी है, और बाइक के नाम और कितनी सीसी है कितनी प्राइस वो आपको यहाँ पे वॉइस ओवर करके बता देनी है। तो यहाँ पर आपको डन पे कर देना क्लिक। तो यहाँ पर हमारी वीडियो बन के हो चुकी है तैयार, इसको हम कर लेते हैं एक्सपोर्ट। यहाँ पर हमको 3 डॉट पे करना है क्लिक, इसको कर लेते हैं हम एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर हमारी वीडियो तो हो चुकी है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट होने के बाद यहाँ पर आप दे सकते हैं अपलोड असा यूट्यूब शॉर्ट, मतलब आप यहाँ पर डायरेक्ट अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर इसको अपलोड भी कर सकते हैं। अपलोड आ यूट्यूब पे शॉर्ट पे करते हैं क्लिक, तो ये हमारे डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पर आ चुकी है। यहाँ पर हम लेते हैं अंडर 2 लाख स्पोर्ट्स बाइक, तो यहाँ पर मैंने इसका टाइटल दे दिया अंडर 2 लाख स्पोर्ट्स बाइक, और यहाँ पर आपको लिख देना हैशटैग शॉर्ट लिख देना है, हैशटैग शॉर्ट लिख देना है, हैशटैग ट्रेंडिंग लिख देना है, हैशटैग बाइक लिख देना है। तो ऐसा आपको यहाँ पर 3-4 हैशटैग लगा लें, तो हमारा टाइटल तो उसका कंप्लीट। इसको टाइटल को कॉपी करके आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में कर देना है पेस्ट। यहाँ पर आपको इसे अपलोड शॉर्ट पे कर देना है क्लिक। अब अपलोड शॉर्ट पे क्लिक करने में उसको आपको अपनी वीडियो को वायरल कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको YouTube पे आ जाना, YouTube पे सर्च वाले आइकन पर करना है क्लिक, और यहाँ पर आपको लेना KTM। तो यहाँ पर आप जैसे मैंने सर्च करा KTM Duke, तो इसके नीचे बहुत सारे कीवर्ड आ चुके हैं, तो आपको इसके जितने भी यहाँ पे कीवर्ड आए ना इसको स्क्रीन शॉट यहाँ पर आपको ले लेना है, और यहाँ पर आपको लेने के बाद इसको यहाँ पर करना है बैक। अब आपको आ जाना इस वाली एप्लीकेशन पर, इस एप्लीकेशन का नाम है कॉपी टैक्स ऑन स्क्रीन शॉट को लेना ओपन। आपको यहाँ पर गैलरी वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक। जो आपने स्क्रीन शॉट लिया है ना इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं सेलेक्ट। अब सेलेक्ट करने पर इसको हम ऐसे करके ड्रॉ कर लेते हैं, तो इसको हम कर देंगे ऊपर से ओके। जो हमारा टैक्स है ना इसको यहाँ पे मतलब निकल के आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टैक्स ही आ चुका है, इसको हम कर लेंगे सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल करने पर इसको कर लेंगे कॉपी। जो भी हमारी वीडियो है ना उसके डिस्क्रिप्शन में आपको आ जाना है, आने बाद योर क्वेश्चन लिखने के बाद उसके नीचे आपको ये वाले कीवर्ड लिख देने हैं, और ये कीवर्ड आपको कॉमा लगा लगाकर अपने वीडियो के टैग में लगा देने हैं। ऐसे करने के बाद आपको इसको कर देना पब्लिश। अब अगर आप वीडियो के लास्ट तक रहते हैं मैं आपको यहाँ पे प्रो टिप देना चाहूंगा, अगर आप ऐसी वीडियो क्रिएट कर रहे हैं तो आपको फेसबुक पर भी डालनी है, इंस्टाग्राम पर भी डालनी है, और आप इसको मौज ऐप पर भी डाल सकते हैं। वहां से क्या होगा आपको बहुत सारे मतलब लाइक्स मिलेंगे, व्यूज वगैरह मिलेंगे, और आपके फॉलोअर भी गेन होंगे। जब आपके फॉलोअर हो जाएंगे तब आपके पास स्पॉन्सरशिप आने लग जाएंगी, तो उससे भी आपको पैसा काफी ज्यादा आने वाला है, और आपके एडसेंस से तो आने वाला ही है पैसा आपको बहुत ज्यादा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर कर लें प्रेस। अगर आप भी अपनी वीडियो वायरल करना चाहते हैं और अपने सब्सक्राइबर गेन करना चाहते हैं तो आप इन दोनों वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं, और अपनी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं, और अपने व्यूज और सब्सक्राइब भी गेन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।